आपका स्वागत है, मैं हूँ राम भाई। आज हम समाजवादी कार्यालय के सामने और एक परिवार है जो रायबरेली से आया हुआ है, इन लोगों ने बैनर लिया हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार की बातें लिखी हुई हैं। ये पीएम आवास योजना में इन लोगों से ये डिमांड की गई। अक्सर ये कहा जाता है, सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि किस तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। फिलहाल ये जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि ये लोग बैनर लेके टहल रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रताड़ित। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, क्या हुआ है? हमारे साथ में बहुत झगड़ा अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे पत्नी के नाम से आवास आया था, तो आवास में जो है प्रधान 30,000 रुपये मांग रहे थे, पंखा पूरी धूम सिंह। तो उसके बाद हमने जो है कि हमारी पत्नी इनकार कर दिया है। आपके यहाँ बरेली में कौन सा गांव पहले बताइए? मछिया नारी। मछिया नारी के ग्राम प्रधान जो है आपसे ये डिमांड कर रहे हैं? हाँ, हमसे डिमांड कर रहे थे कि जो है 30,000 रुपये हमें चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी पत्नी है 30,000 देने से इनकार कर दिया, तो 10,000 रुपये के बाद जैसे छीन लिया गया। अच्छा। उसके बाद हमने शिकायत कर दी गई थाने लालगंज। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा अप्लीकेशन नहीं लिखा गया, हमको वापस भेज दिया। कहते हैं कि हमारे इस तरह के भ्रष्टाचार का कागज हमारे पास मिल जाएंगे, तो हमने वापस ही गए। उसके बाद हम रायबरेली आए हैं। रायबरेली में जो है कि जिला अधिकारी के पास हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, पूरी दिया है अप्लीकेशन, तो वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है कि मनोज दरोगा प्रधान पंकज धूल सिंह का बचाने की कोशिश में हमारे घर जो है दरोगा मनोज को भेजा है। तो मनोज दरोगा हमारे घर जाकर के हमारी पत्नी से बोल रहा है कि जो है कि मकान को बना लो। ठीक है। हमने कहा कि जैसा है मकान बनेगा, जब तक पैसा नहीं वापसी होगा। तो उसके बाद जो है मनोज दरोगा कहने के ऐसा है कि हम पत्नी का पैर काट देंगे, मार देंगे जान से, मारने के बाद में जो है नहीं कर पाओगे। दरोगा धमकी दे रहा है। उसके बाद दरोगा चला आया, चले आने के बाद में फिर गया था दूसरे तीसरे दिन। अरे बोला आप खाई के राशन कब दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं क्या? क्या नाम आपका? आपको उन लोगों ने मारा है कि आप चोट खाएंगे कैसे? उन लोगों ने तीन ही जने साथ में। अच्छा, तीनों लोग साथ में थे। अरे रकम लेके मुलजिम को छोड़ दिया है प्रधान। पुलिस ने गाड़ी ले गए, मुलजिमों को ले गए, आप सबका नहीं है आपको। अच्छा। हमारे नन्न बच्चे देखो भूखन मर रहे हैं, बोलो बताओ इनको हम कहाँ दिखाना है, हम दवाई इलाज कर पाइए ना, हम लेकर तो कहाँ खाई। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे इनके छोटे छोटे हैं और ये लोग इतना परेशान हैं, और इन लोगों को दवा इलाज कराने का पैसा भी नहीं है, और ऊपर से जो है सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, प्रशासन कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, पुलिस भी इनके अगेंस्ट है।